आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज दिनांक 3 जनवरी 2022 को डॉक्टर शांतनु दीक्षित, खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव धसान टीकमगढ़ ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि आज 15 से 18 वर्ष के आयु के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है, जिसमें टीकमगढ़ विकासखंड में 52 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 38 ग्रामीण क्षेत्र में एवं 14 शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। सभी जगह छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी सेंटरों को जो लक्ष्य दिया गया था वह पूर्ण हो चुका है। वहीं कई सेंटरों का निरीक्षण SDM टीकमगढ़ सौरभ मिश्रा द्वारा किया गया, साथ ही क्षेत्रीय विधायक राकेश गिरी एवं जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ अमरचंद वर्मा द्वारा किया गया। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है, हम उसको देते हैं तो उसकी लाड़ी रखी भी होता है उसका नाम। हम उस मरीज को डिस्चार्ज करते हैं, उसके साथ ही उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कि निःशुल्क देते हैं, और उसको उसके खाने की चीज और उसकी मेडिकेशन भी हम उसको साथ ही देते हैं। जो 45 दिन बाद परमानेंट सर्टिफिकेट आएगा जो BMO के ऑफिस से जनरेट होगा। पहले ऐसा होता था कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उनको देने में या उनसे कुछ राशि ले जाती थी या इंतजार परेशान होता। आप मुझसे नहीं, जिनने नसबंदी कैंप कराया है और जिनसे आशा है जो हमारी उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं। पहले से हमने 80 नहीं 90 नहीं 100% सुधार किया है इस चीज में। अभी तक CSC पे OPD चलती थी, जैसे हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम CSC पर चालू कर रहे हैं, वो प्रयास करेंगे कि अगर हमें सक्सेस मिलता है और हमारा रेशियो और हमारे रेट हमें कुछ पॉजिटिविटी मिलती है तो हम अपनी PSC अस्तौन और PSC बुढ़ेरा पर भी चालू करेंगे। कोविड वैक्सीनेशन आज बच्चों का, कोविड 15 से 18 साल के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन चालू हुआ। हमें बस ऐसा डर था, कल तक कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली, उसके पहले भी SDM साहब ने मीटिंग ली, तो हम ये सोच में थे कि कैसे हम वैक्सीनेशन अचीव टारगेट अचीव कर पाएंगे, कैसे बच्चे आएंगे, क्योंकि जब अपन ने 18 से 45 और 45 से 60 तक के लोगों को लगाई तो इस तरीके से अपन को जो समस्या हुई वो सामना करनी पड़ी। लेकिन आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमें टीमें कम पड़ रही, बच्चे स्कूल में पैक्ड हैं, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि मतलब लोग इतने इंटरेस्टेड, बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं। नंबर एक हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय, हुआ शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हुए सब में इतनी स्ट्रेंथ थी। टीकमगढ़ से भारत प्लस के लिए शिवपाल मीणा एवं सुदर्शन की रिपोर्ट। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी पाने के लिए आज ही आप भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।